सो हाय एवरीवन, मैं सिर्फ हिमांशु कुमार। तो दोस्तों, हम सब काफी दिनों से वेट कर रहे थे। दोस्तों, हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि आईफोन 15 सीरीज कैसा होने वाला है, क्या इसका फीचर्स वगैरह है, और तो 14 सीरीज के कंपेयर में क्या इस 15 सीरीज में चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आईफोन 15 सीरीज के जो लीक्स है दोस्तों वो बाहर आ चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि भाई अगर मैं प्रो सीरीज की बात करने जाऊं तो भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो भाई प्रो सीरीज का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे। तो फिलहाल बातें करते हैं आईफोन 15 एंड 15 प्लस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला चेंजेस भाई जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि भाई अब आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस दोनों में अब हमें भाई डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हमें डायनेमिक आइलैंड नन प्रो मॉडल्स में भी देखने को मिलेगा। भाई आपको पता होगा कि आईफोन 14 एंड 14 प्लस में भाई हमें एक बड़ा सा नॉच ही देखने को मिलता था। डायनेमिक आइलैंड के लिए भाई हमें प्रो सीरीज तक जाना पड़ता था, जो कि भाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। तो दोस्तों, अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई अब हम कम पैसों में भी डायनेमिक आइलैंड के मजे ले सकते हैं। डायनेमिक आइलैंड आपको तो पता है भाई, यूजर्स को काफी ज्यादा इंटरेक्ट करता है। इसका एनिमेशन भाई गजब का एनिमेट करता है भाई। इसका कॉल्स नोटिफिकेशन भाई काफी ऑसम सा लगता है। तो भाई ये अब आप अंडर 1 लाख में यूज कर सकते हो, इसके मजे ले सकते हो। अब आपको प्रो सीरीज तक जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब आपको डायनेमिक आइलैंड भाई चारों मॉडल्स में देखने को मिलेगा, आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो एंड भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स। ये चारों में भाई अब आपको डायनेमिक आइलैंड मिलेगा। आप भाई ये चारों में से कौन सा लेना चाहोगे मुझे कमेंट में बता देना। तो भाई ये डायनेमिक आइलैंड वाला तो काफी मजे की बात है, पर दोस्तों गुड न्यूज के साथ साथ एक बैड न्यूज भी है। दोस्तों बैड न्यूज ये है कि भाई जैसा हमें आईफोन 11, 12, 13, 14 में भाई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था स्क्रीन में, वैसे ही भाई सेम आईफोन 15 एंड 15 प्लस में भी हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। और भाई आईफोन 14 एंड 14 प्लस के कंपेयर में भाई इसका प्राइस मुझे जहां तक लगता है भाई 15-20 हजार तक इंक्रीज करेगा। भाई अब हम 80-90 हजार तक का अमाउंट देंगे भाई, उसमें भी हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो भाई क्या ही मजा आएगा। तो ये बैड न्यूज है दोस्तों आईफोन 15 का जो वेट कर रहे थे भाई, अगर 60 हर्ट्ज में आप एडजस्ट कर लेते हो तो भाई सही है। 15 प्रो सीरीज के लीक्स में भाई हमें ये पता चला कि भाई उसके जो बेजल्स है वो थोड़े थिन कर दिए गए पिछले आईफोन के कंपेयर में। पर भाई आईफोन 15 एंड 15 प्लस में भाई कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछले जो बेजल्स हमें मिलते थे भाई वही सेम बेजल्स इसमें है, कोई चेंजेस नहीं है। ये दोनों फोन्स में भाई डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस का जो डिस्प्ले का साइज होगा दोस्तों वो होगा 6.2 इंच का। ये तो भाई आईफोन 14 प्रो से भी बड़ा है, पर भाई काफी अच्छा है हम लोगों के लिए। तो भाई ये गुड न्यूज है भाई, थोड़ा सा तो बड़ा मिलने वाला हम लोग को। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों ये दोनों फोन्स में हमें A16 बायोनिक चिप प्रोसेसर मिलेगा, जो कि सेम चिप सेट है भाई आईफोन 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स में जो हमें मिलता था। नेक्स्ट चेंजेस दोस्तों हमें इसके साइड्स वॉल्यूम बटन्स में देखने को मिलेंगे। भाई अभी इसके साइड्स में 2 बटन हमें देखने को मिलते हैं, पर भाई अब 15 सीरीज में जो होगा दोस्तों वो हमें एक सिंगल बटन देखने को मिलेगा। और मजे की बात बताऊं दोस्तों, अब इसे प्रेस करके वॉल्यूम ज्यादा और वॉल्यूम कम करने की जरूरत नहीं भाई। अब आप इसे स्वाइप अप करके भाई वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और स्वाइप डाउन करके इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो। भाई स्वाइप करके ही आप इसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। और भाई वॉल्यूम बटन के ऊपर में एक जो म्यूट वाला बटन रहता है दोस्तों, उसको हटाकर भाई एक एक्शन बटन ऐड कर दिया गया, जिसे भाई आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप इसे प्रेस किए हुए रहोगे तो भाई इसे कॉल लगा सकते हो, सेटिंग ओपन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हो, आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों इसके एक्शंस को। भाई म्यूट वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, मैं टाइम पास उसी से करता था ऊपर नीचे करके। पर भाई ये फीचर्स काफी ज्यादा अच्छा है, ये हमारे टास्क को भाई इजी कर देगा। नेक्स्ट चेंजेस दोस्तों हमें इसके चार्जर्स में मिलने वाला। अब भाई लाइटनिंग केबल से ये चार्ज नहीं होगा, इसका पोर्ट भाई देख रहे हो सी टाइप कर दिया, अब ये सी टाइप से चार्ज होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें लीक्स बाहर आई थी, जो कि मैंने आप लोग को आज के इस वीडियो में बता दिया है। एंड प्रो सीरीज में भी भाई काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, मैं उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। वैसे आईफोन 15 एंड 15 प्लस के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, ये सारे चेंजेस आपको कैसे लगी 14 एंड 14 प्लस के कंपेयर में? भाई काफी ज्यादा चेंजेस है, और तो भाई डायनेमिक आइलैंड भी हमें 1 लाख के अंदर तक में अब मिलने वाला है। वैसे दोस्तों ये सारी चीजें लीक्स है भाई, कुछ चेंजेस इधर उधर भी हो सकती है। कंफर्म तो भाई जब एप्पल वाले फोन को लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा, पर कुछ और अपडेट्स निकल कर आता तो दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते फिर किसी अंदर वीडियो पे। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक कर देना। भाई चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद जय भारत।